नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार में नीतीश कैबिनेट में बड़ा बदलाव किया गया। इस बदलाव में सबसे ज्यादा चर्चा शिक्षा विभाग को लेकर है। ऐसे भी बिहार का शिक्षा विभाग चर्चाओं में रहता है। पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के एक्शन की वजह से, तो कभी शिक्षा विभाग के मंत्री रह चुके प्रोफेसर चंद्रशेखर की वजह से। प्रोफेसर चंद्रशेखर आए दिन ऐसे बयान दे ही देते हैं जिसको लेकर बवाल मचना तय है। अब इससे छुटकारा मिल गया है और हमेशा विवाद में रहने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को उनके पद से हटा दिया गया। उनकी जगह अब आलोक कुमार मेहता बिहार के नए शिक्षा मंत्री होंगे। आलोक कुमार मेहता ने तत्काल प्रभाव से अपना पद भी ग्रहण कर लिया है। अब ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये कौन है, बिहार के नए शिक्षा मंत्री आलोक मेहता कौन है। अब आपको बताते हैं उनके बारे में तमाम डिटेल। दरअसल आलोक कुमार मेहता वर्तमान में समस्तीपुर के उजियारपुर से विधायक है। आलोक कुमार मेहता इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किए हुए हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में 2009 में 6 दिनों का दौरा भी किया था। आरजेडी में आलोक कुमार मेहता का कद काफी ऊंचा है। आलोक मेहता राष्ट्रीय जनता दल में खासा पैठ रखते हैं। 2002 से 2003 तक युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सचिव रहे। फिर 2003 से 4 तक युवा राष्ट्रीय जनता दल में राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका भी निभाई। उन्होंने 2004 से 5 में बिहार प्रदेश युवा राजद में प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभाई। फिर 2005 से 2016 तक युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाई। आलोक मेहता खुद कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े रहे हैं। उन्हें दर्जनों बार राजनीतिक धरना और आंदोलन के दौरान जेल भी जाना पड़ा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आलोक मेहता काफी पढ़े लिखे हैं, इसी कारण शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। अब बात ये कर लेते हैं कि प्रोफेसर चंद्रशेखर से ये जिम्मेदारी क्यों ली गई। इसे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की अनबन से जोड़कर देख सकते हैं। अपर मुख्य सचिव के पाठक जब छुट्टी पे गए थे तो शिक्षा मंत्री ने सार्वजनिक रूप से ये कह दिया था कि शिक्षा विभाग से विदा हो गए, वो काम नहीं करना चाहते, इसी वजह से छोड़कर चले गए। ये चर्चा तेजी से फैली कि के पाठक अब शिक्षा विभाग में वापस नहीं लौटेंगे। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने के पाठक को बुलवाया। मुख्यमंत्री से बातचीत के अगले ही दिन के पाठक ने शिक्षा विभाग में योगदान दे दिया। ये कहा जा रहा था कि अपर मुख्य सचिव और मंत्री के बीच अनबन की वजह से शिक्षा विभाग का कामकाज प्रभावित हो रहा था। यही वजह रही कि सीएम नीतीश को ये एक्शन लेना पड़ा। बहरहाल आप इस फेरबदल को कैसे देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बिहार तक।